नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला शुरू करते हैं, सीधे आपको ले चलते हैं भोपाल। सत्ता और संगठन में तालमेल के लिए आखिरकार कांग्रेस ने समन्वय समिति का गठन कर दिया है। सरकार के गठन का एक साल पूरा होने के बाद भी पीसीसी चीफ की नियुक्ति नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ही दोनों पदों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस एक साल में पार्टी के कार्यकर्ता और कई विधायक मंत्रियों की अनसुनी को लेकर शिकायत दर्ज करा चुके हैं। इस समस्या से निपटने के लिए पार्टी हाईकमान ने समन्वय कमेटी का गठन कर दिया है। प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं कमेटी में मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव, मंत्री जीतू पटवारी और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को शामिल किया गया है। उम्मीद की जाना चाहिए कि इस कमेटी के गठन के बाद कांग्रेस का आंतरिक असंतोष काबू में आ सकेगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर निर्मल सिंह बैस। स्कूल शिक्षा सहित मंत्री प्रेम साय सिंह के बजट के प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ली बैठक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट की तैयारी के सिलसिले में स्कूल शिक्षा, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम से संबंधित विभागों के बजट प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया। डॉक्टर प्रेम साय सिंह की उपस्थिति में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव आरपी मंडल, अतिरिक्त मुख्य वित्त अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा अशोक शुक्ला, मुख्यमंत्री के सचिव गौरव द्विवेदी, सचिव आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास डीडी सिंह, सहकारिता सचिव रीता सांडिल्य सहित तमाम अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। आपको बता दें कि बजट को लेकर राज्य सरकार ने जनता से सुझाव भी मांगे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाला बजट कैसा होगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुप्रिया पांडे। स्कूल शिक्षा सहित मंत्री प्रेम साय सिंह के बजट के प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ली बैठक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट की तैयारी के सिलसिले में स्कूल शिक्षा, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम से संबंधित विभागों के बजट प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया। डॉक्टर प्रेम साय सिंह आयो पर ट्रक कटिंग करने वाला गिरोह सक्रिय, चलते ट्रक से माल उतारने की वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। हाईवे पर चलते ट्रक से माल उतारने की वारदात लगातार सामने आ रही है। कई बार लोगों ने दिन दहाड़े हो रही वारदातों को देखा भी है, लेकिन बदमाशों के खौफ के कारण सामने नहीं आते हैं और इस कारण ट्रक कटिंग करने वाले पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वारदात का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चलते ट्रक पर चढ़े बदमाशों ने ट्रक की तिरपाल को काट कर उसमें से सामान उड़ा लिया। बदमाशों द्वारा की जा रही इस वारदात के पीछे चल रहे अन्य वाहन चालक ने पूरी घटना को मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह वीडियो मक्सी और शाजापुर के बीच का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस वारदात के वीडियो का पता लगा रही है। इसके लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया जो बदमाशों को पकड़ने के कार्य में लगी हुई, ताकि इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या हाईवे पर हो रहे वारदातों पर पुलिस अंकुश लगा पाती है। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। प्रदेश भर में खराब माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मणिपुर जिले की सीता में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। ऑपरेशन माफिया में मंदसौर जिले की सीतामू थाना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने अवैध रूप से परिवहन हो रही 346 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। बहरहाल पुलिस ने शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब पूरे मामले को तहकीकात में लग गई है कि शराब कहाँ से लाई जा रही थी और कहाँ ले जाई जा रही। शराब बनाने वाले पर जिला परिवहन के द्वारा आज तड़के सुबह कार्रवाई की, जिसमें 700 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की। कसडोल ब्लॉक के गिधौरी थाना के घटमड़वा गांव में कच्ची शराब बनाने वाले जगह में आबकारी विभाग ने दबिश दी, जहां नजारा देखकर होश गायब हो गए। खुले आसमान के नीचे नदी किनारे भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाई जा रही थी। भट्टियां जल रही थी। तालाब में मोहन से भरे सैकड़ों बोरिया चढ़ने के लिए रखा गया, जिसमें लवारी सालत में 700 लीटर कच्ची शराब जब्त किया। 150 क्विंटल महुआ का लेहन
व होंडा प्लेजर एवं कच्ची शराब बनाने वाले सामान जब्त किया। वहीं आरोपी मौके से चकमा देकर फरार हो गए। बता दें बलौदा बाजार में अंग्रेजी शराब की अवैध सप्लाई होने से महारत हासिल है। बलौदा बाजार जिला पूरे प्रदेश में शराब बिक्री पर दूसरे स्थान पर है। दो दिन पहले बलौदा बाजार के शासकीय वाहन में लाखों रुपये का अंग्रेजी शराब कवर्धा में पकड़ा गया था। अवैध शराब बनाने वालों पर हड़कंप मचा हुआ है। अबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कैजोल से एक्सप्रेस रिपोर्टर केशव साहू। कोरबा जिले के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर लामबंद थे, जहां हड़ताल पर चले जाने के बाद मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिले के सरकारी डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर लामबंद थे। डॉक्टरों ने पहले ओपीडी का बहिष्कार किया, फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। इसके बाद जिले के सरकारी अस्पताल में व्यवस्था चरमरा गई थी। हालांकि सीएमएचओ बीबी बोटे ने फील्ड डॉक्टर और आयुर्वेद विभाग के डॉक्टरों को इलाज की जवाबदारी सौंपी थी। इससे पहले मौत के बाद पीड़ित परिवार को पोस्टमार्टम कराने घंटों भटकना पड़ता था। इन सारी समस्याओं को देखते हुए जिला कलेक्टर किरण कौशल ने डॉक्टरों की बैठक ली और डॉक्टरों को हड़ताल समाप्त कर काम पर वापस लौटने की अपील की। कलेक्टर की अपील के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल समाप्त करके काम पर वापस लौट गए हैं। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने डॉक्टरों की बैठक आयोजित कर उनसे हड़ताल समाप्त करने की अपील की, जहां डॉक्टरों ने हड़ताल समाप्त कर काम पर वापस लौट गए हैं। कोरबा से एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज यादव। राजधानी के अम्बेडकर नगर मल्टी में जब आग लगी तो कई परिवारों की जान पे बनाई। राजधानी के टीटी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अम्बेडकर नगर मल्टी में रात कई परिवारों के लिए आफत की रात बन गई। मल्टी में एक बार फिर असामाजिक तत्वों द्वारा 16 गाड़ियों में आग लगा दी गई। इससे पूर्व भी अम्बेडकर नगर मल्टी में दो बार गाड़ियों में आग लगाई गई थी, जिसमें अभी तक माना जाए तो कुल मिलाकर 30 से 35 गाड़ियों को जलकर खाक हो चुकी है। पुलिस ने आज तक किसी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मल्टी रहवासियों का आरोप है कि आए दिन होने वाली इस घटना को लेकर पुलिस को कई बार शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। समय रहते अगर पुलिस कार्रवाई करती तो इस प्रकार की घटना एक बार से नहीं होती। आए दिन यहाँ पे इस प्रकार की घटना होती रहती है, लेकिन कल रात को बंद आग लगने से कई परिवार ने अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागे। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगर, दिव्य भोपाल। ऋण माफिया संजय द्विवेदी के चार अलग अलग ठिकानों पर यूडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में दस्तावेज सील व अन्य सामान जब्त किया है, जहां आज दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। ऋण माफिया संजय द्विवेदी के अलग अलग चार ठिकानों पर कल सोमवार को ईडब्ल्यू विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करी थी, जहां पर बड़ी मात्रा में दस्तावेज बैंक पासबुक व सीलें जब्त हुई है। जहां पर अब जो दस्तावेज मिले हैं उनको ईडब्ल्यू विभाग एक एक करके पीड़ितों की तलाश कर रहा है, तो वहीं कुछ शिकायतें भी संजय द्विवेदी के खिलाफ आने शुरू हो गई हैं। फिलहाल में ये कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल में अब तक के खुलासों में 30 से अधिक कंपनियां फर्जी पाई गई है, तो वहीं 150 से अधिक लोगों को संजय द्विवेदी और उसकी पत्नी ने धोखाधड़ी में अपने संग पार्टनरी के नाम पे शामिल किया था, जहां फिलहाल में ईडब्ल्यू उनकी तलाश भी कर रही है, तो वहीं दस्तावेजों की बारीकी से जांच ईडब्ल्यू विभाग कर रहा है। नॉर्थ एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय शेख। राजगढ़ मामले में सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। जो घायल हैं उन्हें भोपाल के निजी अस्पताल में देखने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे। राजगढ़ मामले में सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी अब सड़क पर उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। घटना में घायलों का हाल जानने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल राजधानी भोपाल के बंसल अस्पताल पहुंचे और जहां पर घायलों से मिलकर उनके बेहतर इलाज के लिए आदेश दिए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पूरी घटना के लिए कलेक्टर और वहां का स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है और इस मामले का विरोध किया जाए। बीजेपी पुरजोर विरोध करेगी और बीजेपी समर्थ है। इसी मौके पर सरकार को चेतावनी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, सरकार दोषी प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्यवाही करे, नहीं तो बीजेपी सड़क पर उतर कर इस पूरे मामले का विरोध करेगी। कलेक्टर चाहती तो इस घटना को रोका जाना चाहिए था, घटना के लिए कलेक्टर को जिम्मेदार ठहराया। कल बीजेपी के दिग्गज नेता राजगढ़ पहुंचने वाले हैं और वहां पर एसपी से कलेक्टर की शिकायत करेंगे। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर प्रमोद शर्मा। ब्यावरा कलेक्टर कांड अब राजधानी तक पहुंच गया है। महिला कांग्रेस कलेक्टर के समर्थन में उतरी है, उसने भाजपा को चार चरित चेहरे पर चलने की नसीहत दी। सीएए के समर्थन में
प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ब्यावरा कलेक्टर की हाथापाई अब सियासत का रंग ले चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उस थप्पड़ का विरोध कर रही है और महिला कलेक्टर पर FIR करने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि महिला कलेक्टर ने जो किया ठीक किया, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई भी FIR नहीं की जाएगी। उसी को चलते दोनों पार्टियां अब आमने सामने नजर आ रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिला कलेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि कलेक्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। देखना यह होगा कि दोनों पार्टियां अब कितनी सियासत करती हैं, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी कलेक्टर का विरोध कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी खुलकर कलेक्टर के समर्थन में आ गई है। एक्सप्रेस रिपोर्टर अरविंद चौहान। जहाँ एक तरफ जहाँ नगर निगम मुरैना स्वच्छता के विज्ञापनों के लिए लाखों रुपए खर्च करके विज्ञापन लगा रही है, वहीं दूसरी ओर मुरैना के बस स्टैंड के ये हालात देखे नहीं जाते। जहाँ एक ओर नगर निगम मुरैना लाखों रुपए की स्वच्छता के विज्ञापन शहर में लगा रही है, लाखों रुपए की जो पेंटिंग है वो करवा रही है, स्वच्छता के लिए जन आम जनमानस से अपील कर रही है कि स्वच्छ मुरैना रहे, स्वस्थ मुरैना रहे, वहीं दूसरी ओर नगर निगम का दोहरा चेहरा सामने देखने को मिलता है। मुरैना का बस स्टैंड जहाँ राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं कई राज्यों से और कई मध्य प्रदेश के जिलों से बसें आती हैं, वहाँ पूरी तरीके से कीचड़हीन हो रहा है, चारों तरफ गाय ही गाय घूम रही है और चारों तरफ कीचड़ है। यात्रीगण बस से जैसे ही उतरते हैं तो कभी किसी का बैग गिरता है तो कभी खुद यात्री गिर जाते हैं, फिर भी नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है। अब देखना होगा कि नगर निगम मुरैना 10 से बेहतर बने हुए बस स्टैंड के हालात सुधार पाती है। अब देखना होगा कि जो बस स्टैंड पर कीचड़ है और वहाँ जो गंदी सड़क है उनको साफ करवाती है। मुरैना से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमन सक्सेना। बिलासपुर SP ने अपनी लाज बचाने के लिए आखिरकार 3 लाख रुपए रिश्वत मांगने वाली SI को आइडेंटिफाई कर लिया। सास ने आत्महत्या कर ली तो पुलिस ने बहू के खिलाफ में मामला दर्ज कर दिया। सरकंडा पुलिस की शर्मनाक बात यह है कि उसने महिला जो आरोपी है उसको बचाने के लिए जो जांच अधिकारी है महिला SI गायत्री सिंह ने 3 लाख रुपए की मांग की। पुलिस इस मामले में खानापूर्ति गई। पुलिस के मामले प्रकाश में तब आया जब महिला ने खुद शिकायत जाकर के SP से की कि बताया कि उनके जांच अधिकारी जो है महिला SI वो उनसे पैसे की मांग कर रही है और 3 लाख रुपए की मांग कर रही है। इस मामले में पुलिस ने भी गजब की कार्रवाई की। मामले में बजाय ASI के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए SP ने पहले तो उस महिला को जेल में डाल दिया और मामले की खानापूर्ति कर अब जांच में कर दी। अब जैसे तैसे जांच में भी ये खानापूर्ति हुई है कि अब महिला ASI गायत्री सिन्हा को पुलिस ने अपनी लाज बचाने के लिए शर्म महसूस करते हुए उसे लाइन अटैच कर दिया। आने में ही कोई अगर प्रार्थी से पैसा मांगे और उस तरीके से 3 लाख रुपए की मांग करे एक महिला से, वो भी महिला पुलिस अधिकारी, तो बड़े शर्म की बात है। बिलासपुर से सागर के मोती नगर थाना में अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, जिसे पुलिस की कार्रवाई पर सवालिए निशान लग रहे हैं। ताजा मामला मोती नगर क्षेत्र के रविशंकर स्कूल के पास से निकल कर सामने आया, जहां बीती 11 जनवरी को 3 अज्ञात युवकों द्वारा एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा थाना मोती नगर में दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर घायल ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मामले की शिकायत करने पहुंचे घायल राकेश प्रजापति ने बताया, घर पर 11 जनवरी को पारिवारिक कार्यक्रम था, जिस दौरान अज्ञात 3 लोग आकर घर के बाहर गाली गलौज करने लगे और हमारे द्वारा रोके जाने पर हम पर हमला कर दिया। इसमें घायल युवक ने पुलिस अधीक्षक के यहाँ न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि पुलिस अधीक्षक क्या कार्रवाई करते हैं। सागर से एक्सप्रेस रिपोर्टर पूजा पांडे। राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच ने देर रात कार्रवाई करते हुए देह व्यापार करने वाली 2 लड़के और 4 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनसे पूछताछ जारी है। भोपाल एयरपोर्ट रूट पर देह व्यापार पर क्राइम ब्रांच ने छापामार कार्रवाई की है। एयरपोर्ट रूट सिंगार चोली के पास इंद्र विहार कॉलोनी में चल रहा था देह व्यापार। विदेशी लड़कियों के साथ नेपाल की एक लड़की को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। क्राइम ब्रांच ने इस छापामार कार्रवाई में ही 2 लड़के और 4 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी साजिद हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया है। छापामार कार्रवाई में एक बैंक मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने तड़के 5 बजे इस छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। 10 से 25 हजार रुपए में करते थे ये सौदा। व्हाट्सएप के जरिए लड़कियों को पसंद करवाते थे। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर अब पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 लड़कियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 विदेशी लड़कियां हैं जिनके पासपोर्ट और वीजा अब क्राइम ब्रांच की टीम चेक कर रही है और जानकारी ले रही है कि ये देह व्यापार कब से यहां किया जा रहा है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर विवेक शर्मा।
प्रेम प्रसंग के चलते हुए एक युवक ने दी ट्रेन से कटकर जान, मामला संदिग्ध। सागर का मोती नगर थाना फिर एक बार चर्चाओं में, देर रात मोती नगर थाना अंतर भूती का रेलवे फाटक पर एक नवयुवक ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या कर ली, लेकिन मृतक के परिजनों का कहना है कि देर रात में मेरे छोटे भाई नीले सागर को स्त्री के परिजनों ने मारपीट कर जल्दी ट्रेन के सामने धकेल दिया। अगर ट्रैक के पास रहने वाले लोगों की मानी जाए तो देर रात रेलवे ट्रैक पर लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही थी, तो वहीं परिजनों का ये भी कहना है कि इस घटना की जानकारी स्वयं युवती ने जो साथ में थी रात में एक बजे रात को युवक के परिजन को दी थी। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है और पीएम रिपोर्ट के बाद ही पुलिस इस बारे में कुछ कह पाएगी कि आत्महत्या है कि हत्या। सागर के मोतीनगर थाना अंतर्गत एक युवक परिजन युवक ने दी ट्रेन से कटकर जान, पर परिजनों का आरोप है कि इस युवक के साथ की गई थी मारपीट, फिर उसको मारपीट करके फेंका ट्रैक पे। सागर के एक्सप्रेस रिपोर्टर मुकुल शुक्ला। बलवाड़ा विस्फोट कांड में गंभीर गुड्डा की हुई मौत, इंदौर से डिस्पोज टीम पहुंची बलवाड़ा घटना स्थल पर। बलवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सियासत के फायरिंग रेंज ब्लास्टिंग में 12 वर्षीय बालक मोहित की मौके पर ही मौत हो गई थी। विस्फोट कांड में गुड्डा पिता मोहन गंभीर घायल हुआ था, जिसके उपचार इंदौर एमआर में जारी हुआ था, जहां उपचार के चलते मध्य रात्रि उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि इंदौर घटना स्थल से बम विस्फोट टीम जाँच में जुटी हुई, जहाँ बम स्क्वाड इंदौर के सब इंस्पेक्टर भगवत प्रसाद ने बताया कि घटना सहसा फायरिंग रेंज के समीप हुई है। घटना से थोड़ी दूर मिला बम के अवशेष, जिससे प्रतीत होता है कि कोई मिसयूज बम बच्चा उठाकर लाया, जिससे यह विस्फोट हुआ। हमारे द्वारा बम में कुछ अवशेष एकत्रित किए गए जो लैब पे जांच के लिए भेजे जाएंगे, जहां जिसके बाद मामले का खुलासा हो पाएगा। कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हुई जिससे विस्फोट में एक मासूम की जान गई है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि बम दस्ता टीम कितनी सफलता हासिल कर पाएगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर भूपेंद्र सेन, बड़वा। प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी यह सड़क आमला से बारादेही जो लाखों रुपए की लागत से बनी है, अपनी दुर्दशा पर अभी आंसू बहा रही है। सौसर तहसील के ग्राम आमला की सड़क जो लगभग 70 लाख की लागत से मात्र 2 साल पहले बनी थी, अब अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही है। इस सड़क से लगभग 5 से अधिक गांव का आवागमन जुड़ा है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि यह सड़क बने मात्र 2 साल हुई है और इस सड़क से बारादेही रेत घाट के डंपर की आवाजाही ज्यादा है, जिसके कारण ओवरलोड गाड़ियों के कारण यह सड़क खराब हुई है और जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने कई बार धरने ज्ञापन आंदोलन दिए, जो जिम्मेदारों को कूड़े के घेर में डाल दिए है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के ठेकेदार ने मेंटेनेंस के लिए हाथ खड़े कर दिए और रेत घाट के संचालक रोड बनाकर देने की बात कही थी, जिससे अब वो मुकर गया। ऐसे में शासन और ठेकेदार की मिलीभगत से इस रोड की दुर्दशा हुई है। सड़क के हालात को लेकर कई बार ग्रामीण अधिकारियों से मिले, किंतु अधिकारी कुंभकर्ण नींद में सोए हुए। देखना है कब तक यह अधिकारी जागते हैं और इस सड़क को लेकर होश में आते हैं। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। ग्वालियर अंचल में लोगों के शस्त्र लाइसेंस की इस कदर बानगी है कि वो किसी भी अपराध को करने से पीछे नहीं छूट रहे। महाराजपुरा थाना TI आसिफ मिर्जा बेग के मोबाइल पर 8 जनवरी को एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस विधायक विपिन पाठक बताया। कहा कि उसके कार्यकर्ता सत्यभान गुर्जर का बंदूक का लाइसेंस बनना है, स्वीकृति पर साइन कीजिए। TI ने भी एक दो दिन में आवेदन पर हस्ताक्षर करने की बात कही। अगले दिन फिर उसी नंबर से फोन आया तो TI को फोन करने वाले व्यक्ति पर शक हुआ। उन्होंने विधायक पाठक को खुद फोन लगाकर बात की और उन्होंने पूछा तो विधायक पाठक ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने किसी तरह से फोन नहीं किया है। युवक थाने पहुंचा और उसने अपना परिचय सत्यभान गुर्जर के रूप में दिया। कहा कि विधायक जी ने भेजा है। TI ने उसके सामने जैसे ही विधायक पाठक को फोन लगाया तो सत्यवान घबरा गया। पुलिस ने फर्जीवाड़े मामले में आरोपी सत्यवान गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसने नकली विधायक के साथ साथ अन्य किसी के नाम से भी तो कहीं कोई फोन नहीं किए। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। CM के पहल से 215 प्रकरणों की हुई वापसी, बचे हुए प्रकरणों पर जल्द होगी सुनवाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश के बाद 8 मार्च 2019 को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति AK पटनायक की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समीक्षा समिति की गठन किया गया था। समिति की पहली बैठक आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज 313 प्रकरणों की वापसी की अनुशंसा की गई। इनमें से बस्तर संभाग के गठित
215 प्रकरणों की वापसी हो चुकी है। राजनांदगांव के 58 प्रकरण न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। पटनायक कमेटी की दूसरी बैठक के लिए 197 प्रकरणों की अनुशंसा की गई है। इस मामले में डीजीपी डीएम अवस्थी ने बताया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार बस्तर के 7 जिलों और राजनांदगांव के आदिवासियों को किन्हीं प्रकरण में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यदि मामला नक्सल का नहीं है तो उन्हें आदेशानुसार वापसी की प्रक्रिया जारी है। सीएम के आदेशानुसार विभिन्न प्रकरणों की वापसी जारी है। अब देखना ये होगा बचे हुए प्रकरणों में कब तक सुनवाई होती है और इन आदिवासियों को इसका फायदा कब तक मिलता है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्या राजपूत। जबलपुर की डिफेंस फैक्ट्रीज को बड़ी सफलता मिली है। एक और जहां उन्होंने सारंग तोप को अपग्रेड किया है, वहीं देश का सबसे बड़ा लॉन्ग टेस्टिंग रेंज बनाकर उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है। साल की शुरुआत में ही जबलपुर की डिफेंस फैक्ट्रीज को बड़ी सफलता मिली है। एक और जहां उन्होंने सारंग तोप को अपग्रेड करके 40 किलोमीटर तक उसकी मारक क्षमता को बढ़ा दिया है, वहीं जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में लॉन्ग प्रूफ रेंज बनाकर एक इतिहास रचा है। इस एलपीआर में विश्व स्तर की सभी तोपों की टेस्टिंग आधुनिक तरीके से हो सकती है। इस वजह से अब एक बड़ी सफलता मानी जा रही है रक्षा क्षेत्र में भारतीय सेना और डिफेंस फैक्ट्रीज की। जबलपुर की डिफेंस फैक्ट्रीज आने वाले दिनों में विश्व स्तर के हथियार बनाकर हथियार बाजार में इनकी बिक्री भी जल्द शुरू करने वाली है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में महापौर परिषद का कार्यकाल खत्म होने से पहले परिषद की आखिरी बैठक बुलाए जाने को लेकर मांग तेज हो रही है। दरअसल इंदौर में महापौर सहित पूरी परिषद का कार्यकाल आगामी 19 फरवरी को समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव को लेकर किसी भी तरह की अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिसके चलते प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव टलने के आसार साफ नजर आ रहे हैं। वहीं खत्म हो रहे इस कार्यकाल से पहले पार्षदों और MIC सदस्यों द्वारा सभापति के पास परिषद सम्मेलन बुलाने की मांग लगातार आ रही है, ताकि पार्षद सम्मेलन में पास विकास कार्यों को जनता के बीच पहुंचा सके और चुनाव में इन कार्यों को बुना सके। पार्षदों की इस मांग को संज्ञान में लेते हुए सभापति ने महापौर से इस विषय पर चर्चा करने और जल्द ही MIC की बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है। इंदौर से रिपोर्टर दीपिका अग्रवाल। रायपुर के नए महापौर एजाज ढेबर आज एक्शन मूड में नजर आए। उन्होंने रायपुर की स्वच्छता रैंकिंग को इंदौर की बराबरी में लाने की बात कही है, साथ ही सफाई कर्मचारियों को खुशखबरी देते हुए उनकी वेतन में बढ़ोतरी कर दी है। महापौर एजाज ढेबर ने आज प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि महापौर के रूप में आज मैं अपने ही वार्ड में मौजूद हूँ। हमारी टीम ने ठान लिया है कि जब भी स्वच्छता रैंकिंग होगी हमारा शहर नंबर 1 आएगा। टोल फ्री नंबर भी जारी करेंगे, उसमें जब तक जनता नहीं जुड़ेंगे तब तक स्वच्छता रैंकिंग जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। रायपुर को इंदौर के बराबर मिलाने की कोशिश करेंगे। सफाई कर्मचारियों का वेतन कलेक्टर दर के अनुसार 10,300 मिलना चाहिए, पहले उन्हें 8,000 रुपए दिया जाएगा क्योंकि जितना पैसा उतना काम सोचते हैं। 5,000 से 6,000 रुपए पहले मिलता था, अब उन्हें 8,000 रुपए दिया जाएगा जिससे सफाई कर्मचारियों अच्छे से काम करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही MIC का बैठक किया जाएगा हर 6 महीने में, यदि जो अच्छा काम नहीं करेगा तो उसे MIC से बाहर भी कर दिया जाएगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर अखिलेश जायसवाल। सत्ती ब्लॉक के ग्राम पंचायत सकरेली खुर्द में शिक्षक की कमी को लेकर आक्रोशित परिजन और बच्चों ने स्कूल में जड़ा ताला। सत्ती ब्लॉक के ग्राम पंचायत सकरेली खुर्द में शिक्षक की कमी को लेकर आक्रोशित परिजन और स्कूल के बच्चों ने स्कूल में ताला जड़ दिया और स्कूल के बाहर खुले आसमान के नीचे बैठ गए। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सकरेली खुर्द के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में पिछले 3 वर्षों से शिक्षक की कमी है, जिसको लेकर क्षेत्र के ग्रामीण कई बार विभाग के अधिकारी से लेकर कलेक्टर तक को शिकायत कर चुके हैं, मगर शिकायत का आज तक कोई सफल समाधान नहीं निकला है। 2 महीने बाद परीक्षा है जिसका डर बच्चों को सता रहा है। वहीं ताला जड़ने की सूचना मिलते ही खंड शिक्षा अधिकारी हरण पारण मौके पर पहुंचे। वहीं मामले की सूचना मिलते ही विभाग के उच्च अधिकारी एवं तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं और आक्रोशित परिजनों को समझाइश दी गई है कि जल्द ही स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। अब देखना होगा कि विभाग के अधिकारी स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था करते हैं या बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेलते हैं। प्रेस रिपोर्टर के लिए रवि गोयल, जांजगीर। रायपुर के नए महापौर एजाज ढेबर आज एक्शन मूड में नजर आए।
उन्होंने रायपुर के सिंधिया स्टेट टाइम में बना बड़ा पुल हुआ क्षतिग्रस्त। दर्जनों मौत के बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। अब बड़े हादसे के इंतजार में पोहरी का प्रशासन। पोहरी में तीसरी सुपुर हाईवे के बीच सिंधिया स्टेट के समय का बना पोहरी का बड़ा पुल अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते लगातार हादसे हो रहे हैं। पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद दर्जनों मौत इस पुल की चपेट में आकर हुई है। इसके बाद भी इस पुल की मरम्मत तक नहीं हुई है, जहां हर रोज हजारों भारी वाहन सहित प्रशासनिक अमला भी इस पुल से होकर गुजरता है, जिसके बाद भी प्रशासन की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। लगता है प्रशासन गहरी नींद में है, जो अब बड़े हादसे के इंतजार में बैठा हुआ है, जहाँ पोहरी की जनता के द्वारा भी इस पुल की मरम्मत के लिए कई बार आवेदन सौंपे गए हैं। क्षतिग्रस्त पुल पर दर्जनों मौत के बाद भी प्रशासन हर रोज इसी पुल से गुजरता है, जिसके बाद भी प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। अब देखना होगा क्या प्रशासन का इस ओर ध्यान जाएगा। पोहरी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। बड़वारा थाना क्षेत्र में जोशी मार्केट में आग लगने का मामला सामने आया है। पीड़ित द्वारा बड़वारा विधायक विजय राघवेंद्र सिंह के ऊपर आरोपियों को संरक्षण देने का लगाया गया है आरोप। मामला बड़वारा थाना के चंद कदम दूरी पर जोशी मार्केट का है, जहां अज्ञात बदमाशों द्वारा कल देर रात सिंह टेडेस में आग लगाकर लाखों के सामान को आग के हवाले कर दिया। वहीं सिंह टेडेस के मालिक द्वारा आरोप लगाते हुए बताया कि स्थानीय विधायक के संरक्षण में कुछ लोगों द्वारा आग लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ बड़वारा विधायक मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूर्णतः गलत है। इस पूरे मामले में मैं खुद निष्पक्ष जांच करवाना चाहता हूं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। फिलहाल बड़वारा पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में जुट चुकी है। अब इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी जब तक बड़वारा पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ जाते, तब तक इन आरोपों की गुत्थी सुलझना नामुमकिन समझ में आ रही है। बड़वारा से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस कंट्रोल रूम के ठीक पीछे पति ने किया पत्नी पर जानलेवा हमला। पति और पत्नी का लंबे समय से चल रहा था विवाद। राजधानी भोपाल में बदमाशों में नहीं रहा है अब पुलिस का खौफ। दरअसल राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस कंट्रोल रूम के ठीक पीछे और महिला थाने के जस्ट सामने एक पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी पर लंबे समय से विवाद चल रहा था। विवाद के चलते महिला अपने परिजनों के साथ में महिला थाने पेशी करने आई थी। पेशी के बाद जब वह महिला थाने से बाहर निकल रही थी, तभी आरोपी पति गाड़ी से आकर महिला पर चाकू से जानलेवा हमला कर फरार होने की कोशिश की, मगर वहां पर मौजूद आम जनता ने उस आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पेशी के लिए युवती आई थी महिला थाने, और महिला थाने में पेशी होने के बाद में उसके पति ने अपनी पत्नी पर किया चाकू से जानलेवा हमला। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर दुर्गेश गुप्ता। एक तरफ जहां नगरीय निकाय चुनाव से लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस की टिकट पाने वाले दावेदारों में काफी होड़ मची हुई थी, तो वहीं मुंगेली जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 से कांग्रेस को न तो दावेदार मिला है और न ही प्रत्याशी मिल पाया। मुंगेली जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला पंचायत चुनाव के लिए क्षेत्र क्रमांक 6 दसरंगपुर से कोई भी समर्थित प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। हालांकि इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे दो प्रत्याशी खुद को भाजपा समर्थित जरूर बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां चुनावी जंग इन दोनों प्रत्याशियों के बीच में ही माना जा रहा है, जिसकी चर्चाएं जोरों पर है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा चर्चा इस क्षेत्र में कांग्रेस को एक भी समर्थित प्रत्याशी नहीं मिलने की हो रही है। बहरहाल इस क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं होने से बीजेपी एवं अन्य दलों के जो प्रत्याशी है उनको जीतने का भरपूर मौका मिला है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इसका फायदा प्रत्याशी उठा पाते हैं या नहीं। मुंगेली से एक्सप्रेस रिपोर्टर रोहित कश्यप। दिल्ली दौरे से लौटे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध को लेकर कहा, ये छत्तीसगढ़ नहीं अपराध का गढ़ बनता जा रहा है, पुलिस का हो रहा है दुरुपयोग। दिल्ली दौरे से लौटे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध को लेकर कहा, ये छत्तीसगढ़ नहीं अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। रायपुर से अगवा किए गए व्यापारी प्रवीण सोमानी का आज तक कोई सुराग पुलिस नहीं जुटा पाई है। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। प्रदेश में पुलिस का दुरुपयोग राजनीतिक कारणों, किसानों के यहाँ धान पकड़ने और छापेमारी के लिए करना गलत है। पुलिस अपने काम से भटक रही है और एसपी से लेकर सारे अधिकारी सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, किसानों के धान की जब्ती और राजनीतिक दृष्टि से लोगों को प्रताड़ित करना।
बता दें कि प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार को भी घेरा, कहा सुरक्षा की दृष्टि से अब तक नाकाम रही कांग्रेस सरकार। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिवम मिश्रा। एक्सप्रेस रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।